एवरीवन, वेलकम टू यशी फैम। आज का वीडियो हमारा एक कंपैरिजन वीडियो है जो कि बेबी डाइपर्स पे है। डाइपर्स के इतने सारे ब्रांड हैं गाइस कि आप लोग या कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा बेबी की स्किन के लिए अच्छा है और नाइट टाइम के लिए बेबी को हेल्पफुल है। सो इतनी सारी जो डाउट्स हमारे मन में होते हैं वो तभी क्लियर हो पाते हैं जबकि हमें कोई ऐसा डाइपर कोई सजेस्ट करता है आफ्टर यूजिंग इट, क्योंकि बेबी की स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो आफ्टर रिव्यू ऑल द डाइपर्स जो हम सर्च करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके लेते हैं, हमें अच्छे से सारे रिव्यूज़ देखने चाहिए उस। सो अब मैं आपसे बात करती हूँ एक अच्छा एक इफ़ेक्टिव डाइपर जो कि आपके नाइट टाइम के लिए बेबी के लिए अच्छा है, पूरे नाइट के लिए उसको बेबी को कंफर्ट देता है और कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम रैशेस की हो या डिसकंफर्ट हो बेबी को नहीं देता है। वो आपके लिए लाई हूँ आज मैं एक कंपैरिजन बिटवीन टू गुड ब्रांड्स जो कि बहुत ही अच्छी ब्रांड हैं, बहुत अच्छा क्लेम करती हैं। बट मैंने ये डाइपर्स जो हैं यूज़ किए हैं बेबी गर्ल्स ऑफ 7 मंथ्स, 7 मंथ्स हो गए आज उसको, और डाइपर्स जो मैंने यूज़ किए हैं सिर्फ दो ब्रांड, मैंने एक ब्रांड मैंने पहले ट्रस्ट करी थी जो कि आप बहुत ही रिनोन्ड है, दैट इज़ पैम्पर्स। के बाद आई शिफ्टेड टू मैमी पोको पैंट्स। सो आज मैं मैमी पोको पैंट्स पे ही स्टिक हूँ पैम्पर्स का, जो कि मैं आपको भी शो कर रही हूँ। ये पैक का जो कि खुला हुआ है आप देख सकते हो, ये पैक का पैक जो है ये मैंने अपने बेबी के बर्थ के टाइम पे लिया था कि ये कंफर्टेबल होगा उसके लिए, पैम्पर्स है। एंड मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि अब एक प्रीमियम ब्रांड भी आ गई है पैम्पर्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में नोन है और लोग काफ़ी ले रहे हैं उसको। बट अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ और कंपैरिजन करूँ एक अच्छे कंफर्ट देने वाले डाइपर की, तो ये प्रीमियम ब्रांड्स कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है मैमी पोको पैंट्स के आगे, बिकॉज प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। इसलिए आई स्विच टू मैमी पोको पैंट्स। मैमी पोको पैंट्स भी मैंने काफ़ी रिव्यू के बाद मैंने ये ब्रांड सर्च करी थी, बट आई फेल्ट कि रिव्यू के बाद अच्छे रिव्यूज़ थे, लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दे रखे थे, तो आई थॉट वाई नॉट टू ट्राई। नाउ अभी यह कंडीशन ये है कि मैं इस बिग फॉर्म में मैमी पोको पैंट्स के पैक्स मंगाती हूँ अपने बेबी के लिए, बिकॉज आई रियली ट्रस्ट दिस ब्रांड। और इसके जो पैक की जो क्वालिटी है और जो बेबी को कंफर्ट है, दैट इज़ 101%। सो 101% की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि अगर आप मैमी पोको पैंट्स को एक बार ट्राई करोगे कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेबी रैशेस से लेके बेबी के कंफर्ट को लेके। तो इसकी बात अगर मैं करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैक को आप देख सकते हो कि इसमें क्लियरली जैसे और पैक्स में मेंशन होता है कि जो जो क्लेम वो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी चीज़ ये है कि ये पैंट स्टाइल में है, ये डाइपर नॉर्मल जो हमारा डाइपर फॉर्म होता है वो उसमें नहीं है ये। देन इसकी जो क्लेम्स हैं 12 आवर्स अप टू 12 आवर्स एब्जॉर्प्शन, 12 आवर्स के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 12 आवर्स तक लगाए रहो। कोई भी किसी भी कहीं भी से भी आप जाकर किसी से भी पूछते हो, अपने डॉक्टर से पूछो, पेडियाट्रिक से पूछो, वो आपको यही बताएगा कि आपको बेबी के कंफर्ट के अकॉर्डिंग पैड्स चेंज करते रहने हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बेबी ने उसको जो आपका पैड है उसको फिल कर दिया है यूरिन से एंड यू आर नॉट चेंजिंग इट, सो दैट्स नॉट डन। तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं और ये चीज़ अलग है कि इसकी एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी कैसी है। इसका जो क्लेम है 12 आवर्स का क्लेम है गाइस, बट 12 आवर्स तो कोई भी नहीं पहनाता है। कभी ऐसा हो गया कि इमरजेंसी में, बट आई डोंट थिंक सो कि इमरजेंसी में भी यू शुड चेंज इट एटलीस्ट एवरी 5 to 6 hours आई वुड से फॉर दिस ब्रांड। इस ब्रांड के लिए मैं कहूँगी कि आप 5 to 6 hours के बाद बेबी का पैड चेंज कर सकते हो। इसकी क्रिस क्रॉस एब्जॉर्बेंट शीट वाली जो क्वालिटी है इसको मैमी पोको पैंट्स को मच बेटर बनाती है आपके नॉर्मल जो पैम्पर्स के डाइपर्स होते हैं उससे। और जो क्लेम ये मैमी पोको पैंट्स करते हैं वो हैं आपके स्ट्रेचेबल थाई सपोर्ट एंड प्रिवेंट्स द थाई कैप, प्रिवेंट्स रेडनेस, ईजी टू वेयर फॉर योर स्मॉल बेबी। सो अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करो तो ये सारे क्लेम जो हैं 100% प्रूवन हैं, मैंने खुद ट्राई करे हैं एंड आई कैन गिव यू द गारंटी कि आप एक बार इसको ट्राई करोगे तो यू विल नेवर रिग्रेट कि आपने कौन से पैंट
पैंट्स, कौन से ब्रांड की पैंट्स उठानी है अपने बेबी के लिए। चाहे आपका बेबी एक न्यूबॉर्न हो या 8-9 मंथ, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितने भी मंथ का हो आपका बेबी, वो आप आराम से उसको ये पैंट्स पहना सकते हो। इजी टू वेयर है और स्किन फ्रेंडली भी हैं बेबी के लिए। और इसको आप एक चीज़ मैं और आपको एडिशनल बताना चाहूँगी कि नाइट टाइम पे जो आप बेबी को अगर आप बनाना चाहोगे इसको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहना लो। और मॉर्निंग में इसको लाइक अगर 12 o'clock आप उसको पहना रहे हो, तो मॉर्निंग में 6 or 7 o'clock यू कैन चेंज इट। देन भी अगर आप देखोगे आपका डाइपर जो ये पैंट्स वाला डाइपर है पूरा अगर फिल भी हो जाएगा यूरिन से, तो बेबी के स्किन में एसिड कोई रैशेस नहीं आएंगे और बेबी को किसी तरह का कोई इरिटेशन नहीं होगा स्किन में। देन यू कैन चेंज इट ईजिली एंड मेक हिम और हर वेयर अ न्यू। तो ये चीज़ है कि इस डाइपर से ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी कि आपको बेबी को स्किन में किसी तरह की इरिटेशन या इरिटेबिलिटी का आपको प्रॉब्लम हो। सो फ्रेंड्स, आई थिंक होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और डाइपर्स में आप एक ट्राई मैमी कोको पैंट्स को ज़रूर देंगे। न्यूली मदर्स को मैं ये बोलूँगी कि आँख बंद करके विश्वास करो आप इस डाइपर्स पे, और एक बार ट्रस्ट करके मेरे कहने को मंगाओ और यू विल नेवर रिग्रेट। सो होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो होगा एक अदर अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि हो सकता है एक रिव्यू या बेबी के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन। टिल देन टाटा।